सिखाऊंगा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में दो मेथड है, एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और सेकंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड कैसे सॉल्व करना है। ये जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ ये आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले याद करना है उसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। जब भी डिसोल्यूशन डिक्लेयर होता है तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि एसेट्स को सेल करो और लायबिलिटी पे करो, लेकिन एसेट्स एक ही बार में नहीं बिकता है और सब एसेट्स एक ही बार में कैश रिलीज नहीं होता है। जैसे डेटर लोग ने इंस्टॉलमेंट पैसा दिया, स्टॉक धीरे धीरे बिका, कुछ मशीनरी बाद में बिका, तो पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो कैसा पैसा दोगे, जैसा पैसा आएगा पहले किसका पैसा देना है ये समझते हैं। तो भगवान ने आपको पांच उंगली दिया है, पांच उंगली याद रखें, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले कभी भी पैसा आएगा पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो सबसे पहले किसका पैसा पे करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस निकाल देना। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में वही निकाल देगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेकेंड फिर किसको पे करने का, अगर आपने कोई लोन लिया और वो सिक्योरिटी है, अगर आपने बैंक से लोन लिया और सिक्योर्ड है लैंड बिल्डिंग के ऊपर, तो जब लैंड बिल्डिंग सेल होगा ना तो उसका पैसा सीधा वो बैंक को दो गया, क्योंकि वो सिक्योर्ड है लैंड बिल्डिंग के ऊपर। कभी कभी ऐसा होगा बैंक लोन ही सिक्योर्ड ऑन लैंड बिल्डिंग, लेकिन फर्नीचर अभी रिलैक्स हुआ या डेटर रिलैक्स हुआ, तो ऐसा केस में किसको दोगे पैसा। ऑर्डर में इन्हीं का नंबर है, व्हेन द लोन इज टेकन ऑन सिक्योरिटी ऑन द एसेट, इफ दैट एसेट इज सोल्ड देन दैट अमाउंट इज यूज्ड टू रिपे दैट लोन। बरोबर ना, अगर लोन लिया है लैंड बिल्डिंग को सिक्योरिटी दिखा के, तो अगर लैंड बिल्डिंग सेल हुआ तो वो पैसा बैंक को ही पे करोगे, बैंक का लोन पे करेंगे, समझे। जैसा बैंक से जो लोन लिया था सिक्योरिटी दिखाया था हमने लैंड, कल अगर लैंड सेल हुआ तो लैंड का जो पैसा रहेगा बैंक का लोन पहले पे करने का, ठीक है। सर अगर इनकेस लैंड नहीं सेल हुआ, स्टॉक सेल हो गया, डेटर से पैसा मिला, तब क्या करेंगे। तो पॉइंट नंबर थर्ड, इफ सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड, सुन रहे हैं, कोई और एसेट बिक गया, इफ सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड देन पे टू ऑल क्रेडिटर, सबको देने का, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो। मतलब जब तक सिक्योर्ड वाला एसेट नहीं बिकता है, कोई और एसेट बिकेगा, तो सब आउटसाइडर को सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो सबको एक जैसा ट्रीट करने का। तो कैसे बांट के लेंगे वो लोग, जैसे क्रेडिटर है, बैंक लोन है, कैसे बांट के लेंगे, प्रोपोर्शनेटली मतलब रेशियो में बांट के लेंगे, उनका लायबिलिटी का रेशियो में बांट के लेंगे, समझ आ रहा है। अगर सिक्योर्ड एसेट सेल नहीं हुआ, कोई और एसेट मिला, तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों को साथ में दिया जाएगा, कैसे, रेशियो में बांट के दिया जाएगा। नेक्स्ट, एक बार इनका पैसा देके हो गया, फिर आफ्टर आउटसाइडर इज पेड पार्टनर का लोन पे करना है, किसका पे करने का, पार्टनर ने लोन दिया रहेगा, फोर्थ ऑर्डर। एंड द फिफ्थ ऑर्डर पार्टनर्स कैपिटल पे करने का, लेकिन जब भी पार्टनर्स कैपिटल पे करोगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का पैसा साइड में रख देना। व्हाट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकता है, तो सब पार्टनर को अगर बांट देंगे तो बचेगा पैसा, इसीलिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर कुछ रहेगा तो उसका पैसा साइड में रखने का, बाद में पार्टनर्स कैपिटल को बांटना। ओके, मैं फिर से रिपीट करूं पांच ऑर्डर क्या है, तो पहले किसको पे करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेकंड सिक्योर्ड लोन पे करने का। थर्ड, अगर सिक्योर्ड लोन रिलाइज नहीं हुआ तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को प्रोपोर्शनेटली बांटने का, रेशियो में बांट के रहने का। फोर्थ, पार्टनर लोन पे करना है। एंड द लास्ट, पार्टनर कैपिटल, लेकिन पार्टनर कैपिटल देने से पहले कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का पैसा साइड में रख लेना। ओके, याद रहेगा पांच पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। द फॉर्म LMS डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2015, ऑन विच डेट द बैलेंस स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट में एसेट्स है, फिक्सेड्स है, कैश है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक लोन, पार्टनर लोन, कैपिटल LMN का है, ठीक है ना। द पार्टनरशिप प्रॉफिट इक्वली, ए फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिटेन टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैश आफ्टर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी। द फीस विच आर टू बी इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड एट 1 लाख, जिसको आप रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले वही पैसा देना है आपको, 1 लाख। नो लॉस इज एक्सपेक्ट टू रियलाइज सिंस फिक्स्ड इंक्लूड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखो,
पांच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख मिला इंक्लूडिंग कैश, बैलेंस शीट में कैश था ना 2 लाख, वो पकड़ के पूरा 5 लाख रुपए मिला है पहला इंस्टॉलमेंट में। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा मिलता है इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट मिलता है, टुकड़ा टुकड़ा में मिलेगा, तो जैसा मिलेगा वैसा हम बांट के लेंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना मिला है 5 लाख, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 लाख, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 लाख, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30 लाख और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 30 लाख। ये फॉर्म सी डिसाइडेड टू पे ऑफ द पार्टनर इन हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, हाईलाइट किया हूं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से सॉल्व करना है। यह रिकॉर्ड टू पेपर स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, पहले बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल। क्या बनाने का? स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल बनाने का। सर कैसे बनाने का? तीन पार्टनर है स्टूडेंट, एल एम और एन। हम ये पता लगाएंगे किसका कैपिटल ज्यादा है, एक्सेस कैपिटल किसका कैपिटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर पी एस आर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले क्या लिखनेगा? कैपिटल लिखनेगा, तीनों कैपिटल लिखनेगा। तो तीनों कैपिटल है 15 लाख, एम का कैपिटल है 10 लाख, एन का कैपिटल है 5 लाख। सुने पहले कैपिटल आप लिख लो, कैपिटल लिख लो पूरा, हाँ फर्स्ट कैपिटल पूरा लिख लो, फिर लिखने का पी एस आर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। सुने 1:1:1 था। इसका क्या करने का? यूनिट कैपिटल निकालने का, यूनिट कैपिटल वो कैसे निकालने का सर? 15 लाख डिवाइड बाय 1 करो, इसको इससे डिवाइड करने का। 15 लाख डिवाइड बाय 1 करो तो 15 लाख ही आएगा, इसको भी डिवाइड करो तो 10 लाख ही आएगा। सुने ना, डिवाइड करना है 10 लाख डिवाइड बाय 1, 5 लाख डिवाइड बाय 1, आंसर 5 लाख। एक बार यूनिट कैपिटल आ गया, जो सबसे छोटा होगा ना उसको बेस पकड़ने का, जो सबसे स्मॉलर अमाउंट होगा उसको बेस पकड़ने का। ओके तो लिखने का प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग एन कैपिटल बेस, एन का कैपिटल को बेस पकड़ने का। तो इसको बेस पकड़ रहे ना, इसको एज इट इज फिर से लिखने का 5 लाख। बेस का मतलब होता है 5 लाख इंटू 1 करो, 5 लाख इंटू 1 करो, 5 लाख इंटू 1 करो। सुने ना, 5 लाख इंटू 1 5 लाख, 5 लाख इंटू 1 5 लाख का मल्टीप्लाई करना है, 5 लाख इंटू 1 5 लाख। यहां तक समझा? नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? यूनिट कैपिटल निकाल दिया, प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाल दिया, अब निकालने का एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल वो कैसे निकालना है सर? ये ना ये वर्किंग है, इतना पार्ट वर्किंग है, सुने ये इतना पार्ट ना याद करना वर्किंग है, ये इतना पार्ट वर्किंग है, इतना पार्ट वर्किंग है, इसको इग्नोर करो। तो 15 लाख में से 5 लाख माइनस करो, 15 लाख में से 5 लाख माइनस करो, जो आंसर आएगा इसको बोलना एक्सेस कैपिटल। 15 लाख में से 5 लाख माइनस करो, आंसर आएगा 10 लाख। सुने 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख, 5 लाख माइनस 5 लाख नील। सुने इसको बोलते हैं एक्सेस कैपिटल। अब ये स्टेप को आपको रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है? फिर से ही लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द पीएसआर रेशियो 1:1। इनका नहीं लिखने का, इनका नील हो गया ना, हटा दो उनको। फिर ये लिखने का यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल कितना? यूनिट कैपिटल क्या था? यूनिट कैपिटल कैसे निकालने का? डिवाइड करने का था, 10 लाख डिवाइड बाय 1 10 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 1 5 लाख। सुने इनको डैश कर दो, इसमें सबसे छोटा अमाउंट कौन सा? ये है ना, तो इसको बेस पकड़ने का। ओके तो यहाँ बेस कौन रहेगा? एम का कैपिटल बेस रहेगा। तो लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग एम्स कैपिटल, हाँ क्या एम्स कैपिटल एज बेस, या इसको बेस लिए ना, तो 5 लाख इंटू 1 5 लाख। सुने 5 लाख इंटू 1 5 लाख, इसको बस फ्रेंड माइनस करना है, ये वर्किंग है। फिर से बोलता हूं इतना पार्ट ना वर्किंग था, इतना पार्ट वर्किंग था, उसको इग्नोर करो। तो देखो ये मेन आंसर है ना, इसमें से इसको माइनस करो, 10 लाख माइनस 5 लाख आंसर आएगा 5 लाख। इसको बोलेंगे सर एक्सेस कैपिटल, एक्सेस
कैपिटल 5 लाख, इसका भी 5 लाख माइनस 5 लाख नील नील, इसका मतलब ऑर्डर में सबसे पहला पैसा इसको दिया जाएगा 5 लाख, सेकंड पेमेंट इन दोनों को दिया जाएगा और थर्ड पेमेंट इन तीनों को दिया जाएगा। तो मैं इधर ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर हम याद रखना ठीक है, यहाँ एंड में लिख के देता हूँ व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट यहाँ लिख के रखता हूँ, बाद में काम आएगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो फर्स्ट किसको देंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, सबसे पहले पैसे किसको देने का, एल को देने का, तो पे टू एल, एल को कितना देंगे सर 5 लाख देंगे पहले, हाँ क्या, तो सबसे पहले एल को देंगे 5 लाख, सेकंड स्टेप किसको देंगे, इन दोनों को देंगे, लेकिन रुको इनको 10 लाख देने का था ना, ऑलरेडी आपको 5 लाख दे दिया, तो आपको एक्स्ट्रा कितना देंगे 5 लाख देंगे और इसको 5 लाख देंगे, मतलब इसका 5 लाख इसका 5 लाख, टोटल 10 लाख। तो सेकंड पे टू किसको किसको, एल एंड एम को कितना देने का 10 लाख देने का, समझ में आया ना 10 लाख कैसा है। आप फिर से बोलू, देखो ऑलरेडी मैंने पहले स्टेप में आपको 5 लाख दिया ना, यहाँ टोटल 10 लाख देना है, टोटल 10 लाख देना है, ऑलरेडी आपको 5 लाख दिया था ना, तो और 5 लाख इसको देंगे और इसको 5 लाख देंगे, तो इसका 5 लाख इसका 5 लाख 10 लाख। एक बार ये देखे हो गया तो थर्ड स्टेप इधर आने का, फर्स्ट स्टेप पे टू एल एम और एन, 1:1:1 का रेशो बांट के लेंगे, सुने चेक करते हैं, चलो 15 लाख में से 10 लाख दे दिया ना इसको, एक बार इधर 5 दिया इधर इधर 5 दिया, तो 15 में से 10 तो दे दिया और 5 लाख देना बाकी है, इसका 5 लाख, इसका 10 लाख था टोटल, उसमें से 5 लाख दिया ना, तो इसका 5 लाख बचा है और इसका 5 लाख, तो लास्ट में 5 लाख मतलब 1:1:1 का रेशियो में देंगे पैसा, ओके। तो ये ऑर्डर याद रखना, इसके वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट बनाएंगे स्टेटमेंट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश, पर्टिकुलर्स कैश अवेलेबल और जितना लोग को देना है ऑर्डर में उनका नाम लिख लो, क्रेडिटर, बैंक लोन, पार्टनर लोन और पार्टनर्स कैपिटल, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखो आप, इसको बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे लिखेंगे बैलेंस ड्यू, बैलेंस लिखेंगे बैलेंस ड्यू, ये बताओ कैश नहीं लिख रहा है क्योंकि कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड है, क्रेडिटर को कितना देना है सर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, क्रेडिटर को देना है 2 लाख बरोबर, क्रेडिटर को देना है 2 लाख, बैंक को देना है 5 लाख मिला, पार्टनर लोन है ना एल का लोन है 10 लाख देना है उसको 10 लाख, कैपिटल में एल का है 15 लाख, एल को देना है 15 लाख कैपिटल, एम को देना है 10 लाख और एन को कितना देना है 5 लाख, क्लियर नहीं अंतर क्वेश्चन में से लिखना है, अभी बाकी इसी है, बस अब इंस्टॉलमेंट लिखते जाना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना मिला, ठीक है, इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये बताओ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है 5 लाख, इंक्लूडिंग दैट बैलेंस शीट में जो कैश था ना वो पकड़ के, तो लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है 5 लाख, इंक्लूडिंग ओपनिंग कैश, हाँ क्या, तो कितना मिला है 5 लाख मिला है, ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना मिला था 5 लाख इंक्लूडिंग दैट ओपनिंग कैश, कभी भी स्टार्टिंग में बताया मैंने ऑर्डर, सबसे पहला पैसे किसके देने का, लिक्विडिटर एक्सपेंस पे करना है, पहले लिक्विडिटर एक्सपेंस पे करना है, बाद में आउटसाइडर का पैसा पे करना है, बाद में पार्टनर लोन, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल, तो पहले लिक्विडिटर का एक्सपेंस निकाल देते हैं, लेस लिक्विडिटर एक्सपेंसेस कितना है 1 लाख, को लेस कर देना स्टार्टिंग में, तो कितना बचा 4 लाख, तो हम लोग 4 लाख को बांटना चालू करेंगे, लेकिन जब पेमेंट करने का बारी आया तो आउटसाइडर दो है ना, 5 + 2 = 7 लाख है और हमारे पास कैश कितना है 4 लाख, हम पूरा नहीं दे सकते, तो जितना आपके पास कैश है उसी को देने का, किस रेशो में, ये रेशो में 2:5 का रेशो में देने का, ठीक है ना, तो 2:5 का रेशो में देंगे, तो लेस पेड टू किसको पे करेंगे, क्रेडिटर एंड लोन,
4 लैक्स को 2:5 का रेशो बांटेंगे, 2:5 का रेशो मतलब 2/7 और 5/7 करने का, तो 4 लैक्स इनटू 2/7 करो, खराब आंसर आएगा वही लिखो, 1,14,286। सुने, 4 लैक्स को हमने बांटा वो रेशो में और इसको कितना मिलेगा, 4 लैक्स इंटू 5/7 करो, आंसर आएगा 2,85,714। और जिनको नहीं मिला उनको डैश डैश कर देना, बैलेंस देखने का, जो कुछ आएगा हमेशा बोलने का बैलेंस, माइनस करने पर जो आंसर है उसको बोलना बैलेंस। तो चलो माइनस करते हैं, 2 लैक्स देना था इतना पे कर दिया, तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, तो 2 लैक्स माइनस 1,42,286, आंसर आता है 85,714। इनको कितना देना है, 5 लैक्स माइनस 285, इनको कितना देना है, 5 लैक्स माइनस 285,714, आंसर 2,14,286। इनको तो दिया नहीं ना, इनको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, 10 लैक्स, 15 लैक्स, 10 लैक्स, 5 लैक्स, समझ में आया। नेक्स्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना रिलैक्स हुआ, देखो क्वेश्चन में 15 लैक्स रिलैक्स हुआ ना, तो लिखेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मिला, 15 लैक्स मिला। रुको, इनको कितना देना है, दोनों प्लस करोगे तो 3 लैक्स आएगा, 2,14,286 प्लस 85,714, 3 लाख दे सकते हैं ना इनको हम लोग, तो इनको पहला दे डालते हैं, आउटसाइडर को पहला पे कर देना क्योंकि आपके पास कैश बहुत है, सेंस आपके पास कैश बहुत है और इनको 3 लाख देना है तो दे देना, तो लेस पेड किसको, क्रेडिटर एंड लोन, क्रेडिटर और लोन पे कर दिए, वही रेशो में 2:5 का रेशो में, तो 3 लाख समझ में कैसे निकाला सर ने, दोनों को प्लस करके 3 लाख आता है, सीधा सीधा दे दो 2:5 का रेशो में, तो 85,714, 2,14,286। जब भी टोटल करोगे पूरा अंडरलाइन मारना, एंड तक अंडरलाइन मारने का, तो सुनो 15 लाख में से 3 लाख तो आउटसाइड को दे दिया, अभी भी कितना बचा, 12 लाख बचा है ना, इनका मेल मेल हो गया, इनका एसेट इज 10 लाख लिखने का, अभी पार्टनर का लोन देना बाकी है। बोलो यहां तक समझा। नेक्स्ट, अभी हम कौन सा देंगे, 12 लाख, हमारे पास कैश कितना है, 12 लाख है बरोबर, हमारे पास कैश अभी 12 लाख है, ऑर्डर अभी इन्हीं को देना, पार्टनर का लोन देना, बाद में पार्टनर्स कैपिटल, तो 10 लाख दे सकते हैं ना, लेस कर देते हैं, लेस पेड टू एल लोन, तो एल का लोन पे करेंगे, 10 लाख पे कर सकते हैं, माइनस कर देना अंडरलाइन मतलब पूरा अंडरलाइन माना एंड था, तो 10 लाख पे करते हैं, इनका पैसा, इनका लाइबिलिटी क्लियर हो गया, अभी बस कैपिटल ही बचा है, बस हाँ कैपिटल ही देना सबका, 10 लैक्स और 5 लैक्स, क्लियर। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, अभी अपने पास बैलेंस कितना है, 2 लैक्स है। सुनो अब आएगा मजा, अभी पार्टनर को जब देने का बारी आएगा तो सबसे पहले इसको दे देगा, एल को पहले 5 लाख देने का, उसके बाद ही सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद ही थर्ड ऑर्डर, तो पहले एल को पूरा 5 लाख दे दो, उसके बाद सेकंड किसको दोगे, एल और एम को दोगे 10 लैक्स, और बाद में थर्ड किसको दोगे, एल एम एन को देने का, तो चलो पहले एल को देते 5 लाख, लेकिन एल को देना है 5 लाख, हमारे पास कैश कितना है, 2 लैक्स, उतना तो नहीं दे सकते लेकिन 2 लैक्स तो दे सकते हैं, तो दे देने का, लेस पेड टू किसको, एल, उसको 2 लाख हम दे देंगे, 2 लाख अगर दे देंगे तो 2 लाख तो कम हो जाएगा ना अपना कैश। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, यहाँ तो नील हो गया, इनका कितना बचा है, 13 लैक्स देना बाकी है, इनको 10 लैक्स देना बाकी है और इनका 5 लाख देना बाकी है। ओके रुको, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, 5 लाख देना था ना ऑलरेडी, इसमें से हमने अभी कितना दिया है उसको, 2 लाख दे दिया ना स्टूडेंट, 2 लाख पे कर दिया, 2 लाख पे कर दिया, और कितना देना बाकी है, 3 लैक्स देना बाकी है, तो जब तक तुम 3 लाख नहीं दोगे ना सेकेंड ऑर्डर नहीं करने का, पहले इसको 3 लाख दो, किसको, एल को। चलो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलैक्स हुआ, आ जाओ थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो कितना मिला थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर से दिया था ना क्वेश्चन है 15 लाख मिला, देखो क्वेश्चन में थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना मिला, 15 लाख मिला ना, 15 लाख में से पहला उसका 3 लाख देंगे, तो लेस पेड टू किसको, एल, एल को 3 लाख दे डालते,
एल को 3 लाख दे दो तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, फिर से अंडरलाइन का पूरा एंड तक अंडरलाइन मारना, तो अभी कैश कितना बच गया अपने पास, 12 लाख बच गया बरोबर। इनको कितना देना बाकी है, 10 लाख देना बाकी है, इनको 10 लाख देना बाकी है और इनको 5 लाख देना बाकी है। देखो हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया, पता चला एल को 5 लाख दिया, दिखाई दिया, देखो इधर दिया 2 लाख, इधर दिया 3 लाख, हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया। अब उसके बाद सेकेंड ऑर्डर किसको देंगे आप, एल और एम को देंगे, समझ में आ रहा है, किसको देंगे, एल और एम को देंगे, तो एल और एम को देंगे 10 लाख, क्या हमारे पास 10 लाख से बहुत है, 12 लाख है, तो लेस पेड टू एल एंड एम 1:1 का रेशियो पार्ट देना 10 लाख को, ओके अंडरलाइन मार, तो पूरा आखिर तक अंडरलाइन मार देना, तो 10 लाख को देंगे, इसको कितना देंगे 5 लाख और इसको 5 लाख देंगे, तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट, 5 लाख, इनका 5 लाख और इनका 5 लाख। हमने सेकेंड ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया, पता चला सेकेंड ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया। अब अभी कुछ भी दोगे ना 1:1:1 के रेशियो में देने का। अब बताओ अपने पास कैश कितना बचा है, 2 लाख ना, इस 2 लाख को हम तीनों में बांटा जाएगा। देखो इस कंसेप्ट का नाम क्या था, एक्सिस कैपिटल ना, देखो ना एक्सिस हो गया ना, एक्सिस देने के बाद सबका रेशियो में आ गया, पीएसआर रेशियो में आ गया, तो अभी 1:1:1 में देंगे, तो 2 लाख को पे करेंगे, लेस पेड टू एल एम और एन 1:1:1 का रेशियो बांटेंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाय 3 66,667 आएगा, 66,667 एक को 1 रुपए कम कर देना 66,666 टोटल करते हैं, तो 2 लाख हमने पे कर दिया तीनों पार्टनर में। अब जो कुछ बचेगा फिर से बोल देना बैलेंस, बैलेंस यहाँ तो कैश नहीं है, 5 लाख माइनस 5 लाख माइनस 66,667 आंसर आता है 4,33,333 अभी कुछ भी बांटोगे तो तीनों बांटोगे ना, तो 30 लाख तीनों बांट दो, लेस पेड टू एल एम और एन 30 लाख पूरा बांट देने का, सुने 30 लाख पूरा बांट दो, तो 30 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इनटू 1/3 का, तो इसको मिलेगा 10 लाख, इसको मिलेगा 10 लाख, इसको मिलेगा 10 लाख, समझ में आया। व्हाट इज द बैलेंस, अभी बैलेंस कितना बचा, सुनो ये पार्टनर को देना चाहिए था 4,33,333, ये पार्टनर को देना था सबको 4,33,333 लेकिन आपको 10 लाख मिल रहा है, अभी इसको बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट, माइनस में नहीं बोलना, इसको बोलना है रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो 4,33,333 माइनस 10 लाख करोगे तो आंसर आता है 5,66,667 लेकिन माइनस आता है, इसको माइनस मत बोलना, इसको रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलना है क्योंकि आपको कैपिटल मिल गया ना, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रॉफिट, तो यहां पर भी सेम आएगा 5,66,667 सुने इनका भी 5,66,666 बोले, यहां तक समझा, यहां तक समझा, लास्ट इंस्टॉलमेंट फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गया, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना मिला, फिर से 30 लाख मिला है ना, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 30 लाख मिला, इसको भी बांट देंगे पूरा का पूरा, पेड टू एल एम और एन 30 लाख पूरा बांट देंगे क्योंकि अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो 30 लाख पूरा बांट देंगे तीनों में, तो 30 लाख बांटोगे तो कितना आएगा 10 लाख, इसको मिलेगा 10 लाख, इसको मिलेगा 10 लाख, इसको मिलेगा 10 लाख, 1:1 का रेशियो में बांट दिए, तो टोटल करना है अभी पॉजिटिव चल रहा है 15,66,667 सुने, इसी को
इसको बोलते हैं ना रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, मतलब हर एक पार्टनर को लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ, एसेट्स एसेट्स सेल करने का, लायबिलिटी पे करने का, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट कितना हुआ, 15,66,667, 15,66,667, ओके, प्राइसिंग समझ में आया।